धूम्रपान करना और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन आर इंजीरियस टू हेल्थ। इट कॉजेज कैंसर। शिवा, लेट्स ब्रेक अप। मजाक कर रही हो क्या? वैसे मेरे साथ खुश तो हो ना स्वीटी? रोज हाफ एन आवर जो तुम मुझे बेड में सेटिस्फाई करते हो, उसके लिए मैं 23.5 आवर्स तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो लेट्स ब्रेक अप। प्लीज। हाँ ना। वू। हे शशि, ये क्या? चीयर्स के बिना पीते तो कितना नाराज होती थी। गुस्से में चीयर्स बोलने की जरूरत नहीं। सुनो, टू मोर। सुनो मैनेजर। जी सर। 2 लार्ज ओके उस टेबल पर भेज दो। श्योर सर, भेजता हूँ अभी। क्या है ये सब? हैदराबाद आते ही पिक करने आ जाया करता था, डायरेक्टली बार में बुलाया, मतलब कोई तो बड़ी बात है। ये क्या फैमिली फोटो है क्या? प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगा है प्रमोशन मिला है इसीलिए बुलाया होगा, लेकिन तुम्हें देख कर नहीं लग रहा, क्या बात है? ये यही प्रॉब्लम है यार। अच्छे भले थे,
सडनली सब चेंज हो गया, पता नहीं क्यों। इसीलिए फोन किया तूने? आजकल फ्रेंड्स की हालत बहुत बुरी हो गई है यार। लड़की जब तक पट ना जाए तब तक फ्रेंड के साथ होना जरूरी होता है। पटते ही कोई भाव नहीं देता उन्हें। अगर कोई छोटी सी दिक्कत आ जाए भाई दोस्त, तब दोस्त की याद आती है। ठीक है चल छोड़, बुलाने वाले में अक्ल नहीं होती और आने वाले में शर्म नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के लिए तुम कोई बच्ची हो क्या? अभी थोड़ा मैच्योर होकर सोचो ना। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। वैसे भी तुम पहले कैसे रहा करती थी, याद है ना तुम्हें? कॉलेज में, ऑफिस में कितनी कॉन्फिडेंट होती थी तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शशि, कम टू माय केबिन। यस कमिंग। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। शशि, मैं आपको हैदराबाद ब्रांच में हाई पोजीशन पर भेज रहा हूं। व्हाट? यस। रियली? या एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क हियर, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम वहां क्यों जाना चाहती हो। आई हैव माय बॉयफ्रेंड देयर। ओह नाइस नाइस, एंड वेरी ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। गुड लक शशि। शशि, ऑल ऑफ अ सडन हैदराबाद? सडनली नहीं है, प्लान्ड है। 6 महीनों से प्लान कर रही थी, अब जाकर मौका मिला है। हैदराबाद का ट्रांसफर लेटर मिला। इसके बाद मेरे सारे वीकेंड्स मेरे बॉयफ्रेंड के साथ होंगे। तो फिर मेरा क्या? तू भी आ जाना, जॉइन अस। हर वीकेंड आना तो मुमकिन नहीं होगा, पर देखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। टेक केयर, बाय, मिस यू। तुम्हारे इतने पास हो ये पता होते हुए भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रही, क्योंकि जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारी आंखों में मैं चमक देखना चाहती हूँ। जब तुम मुझे अपनी गोद में उठाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने आकाश को छू लिया है। उस फीलिंग के लिए चाहे जितना इंतजार करना पड़े मैं करूँगी। अरे भाई इधर। कैसा है भाई? क्यों, सफर कैसा रहा? साल में एक बार करे तो सफर, हर हफ्ते करे तो आदत हो जाती है। चल ठीक है, रूम पर चलते हैं। रूम पर? बार में चलते हैं ना यार। नहीं, सुबह सुबह बार में ही वो क्यों? क्यों, हैदराबाद अब तक डेवलप नहीं हुआ है क्या? कितना पीता है यार, प्यास लगी है यार। नहीं, जल्दी है इसको। और कैसा है? गुड मॉर्निंग सर, आइए सर। कैसे हो भाई, सब ठीक ना? चलो जी। व्हाट कैन आई गेट यू सर? हिंदी आती है ना? हाँ सर। तो हम सबको हिंदी में ही बात करनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है सर। क्या लेकर आऊँ सर? ब्रांडी, विस्की, रम, वोडका? वहीं रुक जा, 2 लेकर आ जा, उसमें बर्फ डाल देना। ठीक है सर। आपके लिए सर? उसके लिए जूस लेकर आना, ठंडा। ओके सर। क्यों यार, तेरा बाप जिससे भी मिल रहा है मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो कर रहा है। कहीं नौकरी मिली क्या? नहीं मिली यार। भाई चीयर्स। चीयर्स। टू मोर रिपीट। ये क्या यार, तू सुबह से पी रहा है, बोर नहीं हो रहा है क्या? हाँ भाई, बार में बहुत बोर हो गया, पब में चलते हैं। क्या मस्त जगह है ये। अरे वाह, दोनों लड़की साथ में क्यों नाच रहे हैं? बाबा। गुड इवनिंग सर, व्हाट डू यू वांट सर? क्या है यहाँ? मेनू सर। अगर हमें पढ़ना आता तो तुझे क्यों पूछते? हमें तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, ऊपर से तुम लोग अजीब से नाम रखते हो। यस मैम। वन ब्लडी मैरी। ओके मैम। मैरी, एंजॉय योर ड्रिंक मैम। थैंक यू।
ओहो, गाली देने पर पिलाता उसने है क्या? गाली नहीं दी सर, इट्स अ कॉकटेल। ओ कॉकटेल मतलब थोड़ा थोड़ा मिलाकर बहुत अच्छे से हिलाते, सही कहा ना? है कि नहीं? यस सर। ऐसा वाला चार दे दे भाई, बहुत मजा आएगा। भाई तू क्या पिएगा? जूस। मेरे दोस्त को भी थोड़ा थोड़ा जूस मिलाकर अच्छे से हिलाकर दे दे कॉकटेल। हाँ वो कॉकटेल नहीं है सर, मॉकटेल है। ओहो हो मॉकटेल। हाँ हाय क्या डांस कर रही है, मजा आ रहा है। हीरोइन भी फेल है भाई, देखना इन सबको अपने गांव ले जाकर त्योहार के दिन साड़ी पहन करना चाहना चाहिए। थोड़ा धीरे बात कर यार, अगर कोई सुन लेगा तो अच्छा नहीं होगा। ये सब पॉश कल्चर है बे। क्या है का पॉश कल्चर? ये पॉश कल्चर है तो अपना विलेज कल्चर है। हम ले जाकर डांस करवाएंगे तो हम पैसे देंगे, यहाँ पर तो डांस करने के लिए ये खुद पैसे दे रही हैं। You want a company? कंपनी वंपनी कुछ नहीं है, ओनली मछली का तालाब है। 5 दिन पहले ही मैंने 5 एकड़ खरीदा है। भाई ये ऐसे क्यों चली गई? अगर थोड़ी देर बात करती तो अगली बार आता तो मछली लेकर आता। कितना बिजी है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। मैम क्या चाहिए? मैम ऑरेंज जूस। ओके मैम। शशि तुम यहाँ कैसे? तुम बाहर वेट करो, मैं अभी तुरंत आता हूँ, ठीक है? डांस करके आता हूं। इनको कहां आता है यार, वैसे भी इनके बीच खड़े हो जाओ तो काफी है, हमें नाचने की जरूरत नहीं, यही नचवाएंगी। ए गांव में रहने का शांति से और पब में मचाने का धमाल, ऐसे क्यों बैठा हुआ है? ये देख 6 तोला, ये देखो 10 तोला। घर चलते हैं ना। ओके। तुम जाके कार में बैठो, मैं 5 मिनट बात करके आता हूँ।
What a sudden surprise. Come on, Shashi. ये सब कॉमन है. वो मेरी मैनेजर है. उसका हस्बैंड अभी नहीं है. यहाँ भी ये सब कॉमन है. ओह शिट. मैं ये सब तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मुंबई कर लो, इतना तो पता ही होगा. पूरी मुंबई अलग होगी, पर मैं उनसे अलग हूँ. I know, baby. I know. अब तुम आ गई हो ना, अब सब कुछ तुम्हारे साथ ही होगा. टू मच मत करो शशि, तुम मेरे लिए ही यहाँ आई हो. मुझे छोड़ के कहाँ जाओगी? I'm the only option. क्या देख रही हो? इस शहर में कोई खाली नहीं है, सब किसी न किसी के साथ बिजी है. कहा था ना, आई एम द ओनली ऑप्शन. भी वैसे ही रोता है. सब लोगों के सामने सडनली ऐसा क्यों चूम लिया उसने मुझे? हर चीज के लिए किस्मत चाहिए भाई. जो हो गया सो हो गया. देख यार, तू अब दुखी मत. अबे जाना, अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो चूम लिया है इसलिए नहीं हो रहा हूँ. तो फिर वो ऐसे ही मुझे छोड़कर चली गई. अबे तेरी तो इसलिए रो रहा है क्या? बहुत अच्छे से चुम्मा दिया लगता है. ऐसे मुंह मत बना, सुअर लग रहा है. जितनी पी थी सब उतर गई, तो कब बदलेगा पता नहीं. ए, 2 साल में कितना बदल गया है. बचपन में कैसा था याद है? वाइन शॉप के पास से गुजरता भी नहीं था, घूम कर घर पर जाता था. और अब देख अपनी हालत, एक नंबर का बेवड़ा बन गया है. जाकर तुझे 6 महीने बीत गए, अब तक तुझे नौकरी नहीं मिली. वो पापा जी, वो क्या पापा? पापा, वो सुब्बू के बेटे की सैलरी 1 लाख है, 1 करोड़ दहेज में मिल रहा है. तुझे वहाँ 6 महीने बीत गए, अब तक तुझे नौकरी क्यों नहीं मिली? कोई ऐरी गेरी नौकरी तो मिली जाएगी पापा, लेकिन 1 लाख की नौकरी के लिए टाइम तो लगेगा ना पापा. तो क्या करेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन उससे ज्यादा तनख्वाह तुझे मिलनी चाहिए. उसके पापा से ज्यादा दहेज मुझे लेना है. भले ही उसके लिए 4-5 लाख खर्चा कर ले, पर 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह तुझे मिलनी चाहिए. अच्छा ठीक है पापा जी. छी यार, क्या जिंदगी है ये. बीटेक कंप्लीट होने के बाद ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है सोचकर छोड़ दिया, और आराम से गांव में बैठकर मछली का तालाब देखूंगा ये सोचा था. लेकिन मेरा बाप जॉब जॉब कहकर सर खा रहा है मेरा. बीटेक किया है ना तूने, तू जॉब कर सकता है ना? हाँ कर तो सकता हूँ. हर सब्जेक्ट में भले ही मैंने 90 मार्क्स क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन कभी भी इंग्लिश में 40 से ऊपर नहीं जा पाया. किसी भी कंपनी में जाओ तो इंग्लिश इंग्लिश करके बात करते हैं, जान खा जाते हैं. ये बात हो गया, मेरे फ्रेंड की एक कंपनी है, अगर 4 लाख तूने भर दिया ना तो डायरेक्ट ऑफर लेटर तेरे हाथ में दे देंगे. मतलब हर महीने तनख्वाह नहीं देंगे? हाँ, अबे कभी तो अकल से काम ले, जॉब देंगे बोल रहा हूँ ना. ठीक है फिर भर देते हैं, भर देते हैं ना. कमाल है, ये इतने टेंशन में क्यों है? लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ऑफर लेटर जो मिलेगा. मिस्टर शिवा, आप यहाँ वेट कीजिए, मैम आ रही है. मैम क्यों, सर है ना? उनको जॉब से निकाल दिया गया है, उनकी जगह मैडम आने वाली है. मतलब अभी मेरे 4 लाख क्या होगा? We will do this by this week, okay? We'll mail the information. Thank you. Yeah. Give me your profile. What?
टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मुझे पहचाना आपने? आई सेड टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मतलब मैंने सारे राउंड्स क्लियर तो कर दिए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे कहा था तो मैं यहाँ आया हूँ। कितने राउंड्स? अब चार। हमें पता चला कि वह फ्रॉड कर रहा है, इसलिए उसकी जगह तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं। आई विल फॉलो माय प्रोसेस। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आई एम शिवा। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी? स्टार्टिंग सैलरी 12 लाख, मतलब पर मंथ 1 लाख। व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस? वो मतलब वो डू यू नो द आंसर और नॉट? अरे पता है वो मुझे ना इंग्लिश में बताने में थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी सी नहीं बहुत मुश्किल है। हिंदी में इजी होगा? हाँ तो ठीक है, बताओ। हाँ, सिस्टम में होने वाले पूरे प्रोसेस को, मतलब हमारे दिए गए इनपुट को कंट्रोल से प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, और ये सब करेक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा है ये पता लगाने को सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। नॉट बैड, यू आर गुड एट सब्जेक्ट्स बट पुअर एट कम्युनिकेशन। एज यू नो वी वर्क विद फॉरेन क्लाइंट्स, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। मिस्टर शिवा, आई विल गिव यू 15 डेज टाइम, इंप्रूव योर स्किल्स एंड कम बैक। इतने सालों से इंग्लिश नहीं आती, 15 दिन में क्या होगा? व्हाट? नहीं कुछ नहीं। शिवा। मैम। उस रात को पब में एक्सीडेंटली। मुझे लगा था आप भूल गई होंगी, लेकिन आप तो भूली ही नहीं है। अगर तुम वो बात नहीं भूले तो इस जॉब के बारे में भूलना पड़ेगा। याद रखना 15 डेज टाइम, सो कीप प्रैक्टिसिंग। ये 15 दिन अय्यप्पा स्वामी की दीक्षा के दौरान इंग्लिश दीक्षा लेनी होगी। लेनी नहीं है, ले ली समझ लो। इंग्लिश टक टक। वेयर गोइंग? वेयर यू वांट टू गो एग्जैक्टली? इंग्लिश टक टक। हाउसिंग बोर्ड ले चलो भैया। इंग्लिश टक टक। अच्छा बॉस। हाँ? ऑटो ड्राइवर होते हुए भी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? सेंट जॉर्ज स्कूल के बच्चों को। हाँ? सुबह और शाम को मैं उन्हें छोड़ता हूँ। हाँ? उनकी बातें सुन के मैं सीख गया। कमाल है, सुनते ही तुम्हें इंग्लिश आ गई? मैंने स्कूल में कॉलेज में इतना सुना लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, क्या करें, ट्राई करते हैं। हाँ यहीं पर बगल में रोक दो। हाउ मच? थैंक यू सो मच। इंग्लिश में भी पंच मार रहा है। भाई यू सी रिमेम्बर शी? किसकी बात कर रहा है? अरे यार वो किसिंग दैट नाइट पब। हाँ या शी इज माय एचआर मैनेजर इन ऑफिस। अरे तेरी तो चुम्मा देकर गायब होने वाली लड़की ऑफिस में नजर आई तो पागल हो रहा है। भाई शी इज फुल इंग्लिश। दोबारा वही गलती कर रहा है भाई। कॉलेज में जब था तब इंग्लिश मीडियम वाली लड़की को पटाएगा तो कम से कम इंग्लिश में पास हो जाएगा, इसलिए ट्राई करता था। पटाना तो दूर, वो लोग हम हिंदी मीडियम वालों की शक्ल तक नहीं देखती थी, इनकी तो भूल गया क्या? सुन, औरतों को पैसों का घमंड हो तो कोई बात नहीं, पर इंग्लिश का घमंड नहीं होना चाहिए। समझा? शी इज नॉट लाइक दैट ब्लडी गर्ल्स, शी इज अ डिफरेंट। यही तो है हम मर्दों की वीकनेस। हां अगर हमें पसंद आ गई तो हम उसे देवी की तरह देखते हैं, अगर उसने मना किया तो सबके साथ मिलकर बार में बैठकर खूब गालियां देते हैं। चल ठीक है, शाम को आऊंगा ना, फुल डिटेल में बात करेंगे। हमेशा नाइट जर्नी करके सुबह आता था, आज क्या हो गया, पूरा दोपहर जर्नी करके रात में क्यों आ गया? जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए, इसलिए सफर से शुरू किया। गुड इवनिंग सर, ऑर्डर प्लीज। तुम्हारे बार में सबसे कॉस्टली ड्रिंक कौन सी? ब्लेंडर प्राइड सर। ओ, और चीप पैक कौन सी है? डीएसपी सर। दोनों मिक्स करके 2 पैक ले आ, हाँ? और भाई के लिए जूस लेकर आ। जूस। समझ गया सर। हाँ वैसे यहाँ गर्मी कैसी है? गर्मी तो बहुत है यार, हमारे गाँव की तरह। चीयर्स भाई। अब मजा आएगा, इसकी तो जूस में कोई गड़बड़ है। अरे वार्ड भाई,
तूने ऐसे नॉन मोशन टैबलेट खाकर मोशन के लिए ट्राई करने वाले जैसा क्यों चेहरा बना रखा है? और एक मार के जाते हैं। और एक भाई रास्ते में अगर कोई वाइन शॉप है तो रोकना। बाहर से बाहर आकर वाइन शॉप और फिर रुकने को क्यों बोल रहा है यार? क्यों, हॉस्पिटल में दिखाने वाले मेडिकल शॉप नहीं जाते क्या? कुछ भी बोलता है। चलो चलो राइट, राइट। चलो ए, रुक, गाड़ी रोक। अरे पुलिस वाले आ गए। रुक मैं देखता हूँ। सॉरी सर, चश्मा धुंधला हो गया इसलिए दिखाई नहीं दिया सर। तेरा चश्मा है कहाँ? अरे बाप रे, मुझे चश्मा नजर नहीं आ रहा है सर, कंप्लेंट लिख लीजिए। लिखता हूँ, चलो फाइल निकालो पहले। मैं रोड से आया इसीलिए पकड़ लिया, अगर पतली गली से निकल जाता तब क्या करते? सर हमें जाने दीजिए सर। साइड हटो, चेहरे से दुपट्टा हटाओ। नहीं नहीं पापा डांटेंगे। ऐसे पीने से कुछ नहीं कहते क्या? नहीं सर, पुलिस से पकड़े जाने पर डांटते हैं। मेरा पति मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक बियर पी तो आपने उसे इस तरह से रोक लिया। एक बियर पीने से रोक लिया तो वाइन शॉप पूरा बंद कर देगी सर। भाई अगर ऐसी बीवी घर में हो तो बेवड़ों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ए, कौन है रे? अरे गुड मॉर्निंग मैडम। कितनी पी रखी है? 6 pegs। मुझे लगा इधर। ठीक है रुक जाओ। जल्दी। ये कैसा टॉर्चर है सर? हमारी मैडम ने बस 6 pegs पी है तो आप इनको रोक लोगे क्या? ऐसे तो हैदराबाद में जितने पब है वो सब बंद करवा दीजिए। क्यों भाई? लेकिन पी लिया तो किसी लड़की को ऐसे रास्ते पे रोक लोगे क्या? रोक लेंगे क्या तुम लोग? सर यहाँ पर सब कंट्रोल में है सर। जाइए। हम भाई भाई फ्रॉम अमलापुरम। वो मेरा दोस्त कहाँ गया? चला गया क्या? कैसा इंसान है वो? पानी से ज्यादा दारू पी रहा है वो। सुबह उठते ही 24 hours बार का है पूछ रहा था। इतना पिएगा ना तो जल्दी ही मर जाएगा वो। अरे वो ऐसा ही है। अच्छा ये बता, तेरे जॉब की बात कहाँ तक पहुँची? हेलो, प्लीज कनेक्ट टू शशि मैडम। सॉरी जस्ट अ मिनट। ओके हेलो। रात को इतना पीने के बाद भी सुबह सही टाइम पे ऑफिस पहुंच गई। हू इज दिस? आई शिवा, नाइट पुलिस हेल्प। बिफोर दैट यू इंग्लिश लर्निंग टोल्ड। उससे पहले किसिंग इन पब। इनफ, मुझे कॉल क्यों किया? अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। सॉरी गाइज, सॉरी। सो सिस्टम एनालिसिस मतलब? बाद में बात करेंगे कहा, लेकिन कितने समय बाद ये तो नहीं कहा ना। मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करो, रात को बात करती हूँ। भाड़ में जाओ। आई एम एंजॉयिंग, व्हाट अबाउट यू? ध्यान से हाँ, हो सकता है इस बार वॉचमैन या लिफ्ट बॉय को किस कर दो। रुके बिना 2 minutes परफेक्ट इंग्लिश में मैंने बात की है। गलती अगर होगी तो सुधारिए मैडम। मैडम इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माय कंट्री, आई रिस्पेक्ट द एल्डर्स पेरेंट्स एंड माय फैमिली आल्सो। फनी गाय, मैंने जो डेडलाइन दी थी उसमें अब 10 days ही बचे हैं, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगी। ओके मैडम, थैंक यू। आई एम आउटसाइड। यस मैडम। या आई गिव यू द असाइनमेंट, ये अवतार मूवी का सीन है, इसे समझ लो और इसका मुझे मीनिंग बता दो। IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। पता नहीं मैं क्यों अपनी प्रजा को बचा नहीं सकता, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर तुम साथ रहोगी तो मैं अपनी प्रजा को बचा सकता हूँ ना मैडम। ये कोई डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स की तरह नहीं है। वो मैं
हिंदी अवतार सिनेमा डबिंग वर्जन देखकर बात कर रहा हूँ। पार्किंग लॉट के पास 9 बजे पकड़ूंगी, ये ऐसा क्यों बोल रही है? ट्रांसलेट ओपन करता हूँ। कैच यू पार्किंग लॉट। ओ हो, तो ये मिलेगी कह रही है, ये तो गलत है। ओके मैडम, कैच कैच। गूगल ट्रांसलेट करते ही रहना ये लिटिल इंग्लिश टॉक। राइट और रॉन्ग। In 2018, we have done a phenomenal job. Let's focus. Me in confusion. Call now. Don't you have sense? When I said I'm busy. Thank you so much. Call you later. नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? बताइए सर, सिम रिलेटेड है क्या? नो। प्लान रिलेटेड है? नो। इंटरनेट? नो। देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम सर? इट्स माय पर्सनल प्रॉब्लम, इट इज इंग्लिश प्रॉब्लम। सर, आई एम नॉट अ इंग्लिश ट्यूटर। अच्छा सुनो, अभी अगर तुम मुझसे इंग्लिश में बात नहीं करोगी ना, तो तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं की कहकर पोर्टेबिलिटी से नेटवर्क बदल रहा हूँ ऐसा कह दूंगा। हाँ, कस्टमर केयर वाली लड़की को डरा कर तू इंग्लिश सिखाने को बोल रहा है? तू ग्रेट है भाई। मैडम, मुझे एक डाउट हो रहा है। क्या डाउट है? अभी हिंदी में बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं ना, इंग्लिश में भी बहुत स्लैंग्स होते होंगे, तो मुझे कौन सा स्लैंग सिखाओगी आप? स्लैंग से पहले तुम लैंग्वेज तो सीख लो। हेलो, एक्सक्यूज मी, गिव वन पेपर। अरे उधर पड़ा है ना। नो हिंदी, ओनली इंग्लिश। हाय डैड, व्हाट्सएप? व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं। जॉब मिली क्या? जॉब एक्चुअली केम बट स्टॉप्ड आउट ऑफ 15 डेज। आई कैन कम। क्या हुआ तुझे? ये क्या बोल रहा है तू? इंग्लिश डैड। बकवास बंद कर। आई कैन स्पीक, आई कैन, कैन आई टॉक, कैन आई टॉक व्हाइल, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ व्हाइल? Yeah. May I come in, ma'am? Yes, come in. Ma'am, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। I have already sent an email. Hello, पापा जी। मुझे जॉब मिल गई है। तनख्वाह महीने की 1 लाख है। I swim English, I fly English, I listen English, I read English, I work in office in English. Hi, I am Ashish Gujju. I'm VV Vinayak. I'm Shikhar Tiwari. कमाल है, सभी डायरेक्टर्स हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाय, आई एम आरजीवी। ये मुझे पसंद नहीं करते हैं। फ्यूचर में शायद तुम भी मुझे पसंद नहीं करोगे। जब तुम्हारा मन हो मुझसे बात कर सकते हो। मुझे ट्विटर पे फॉलो करो, तुम शाम को बात करते हैं। अच्छा ऑफिसर। कौन से गांव की हो? अमलापुरम। अच्छा, तुम भी अमलापुरम की हो क्या? अमलापुरम में कहां पर? कोडलंका। अच्छा, मैं भी पास का ही हूँ, मागम। सारी बातें हो गई या बाकी है? मैडम, वो उसका और मेरा गांव एक ही है, इसलिए। तो फिर दिवाली पर दोनों एक साथ बस में बैठकर चले जाना, तब तक के लिए कुछ काम कर ले। गोल्डलंका में तुम्हारा घर कहाँ है? हे शशि, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। हाउ अबाउट कॉफी? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मैं बस फ्रेंडली होके पूछ रहा था, दैट्स ओके। अशोक? या? सॉरी, मे बी सम अदर टाइम। जब से तुमने ज्वाइन किया है तब से अपने घर की बिल्कुल याद नहीं आती मुझे। थैंक यू। इसने तारीफ की तो खुश हो रहे हो क्या? गांव वाले बिहेव के लिए उसने कमेंट किया है। इसने ऐसा क्यों कहा? जी, मैंने पॉजिटिवली ही कहा था। कुछ तो कहिए ना मैडम। मैं नहीं कहूंगी, तुम ही कहो। उसे हिंदी नहीं आती और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। इस बार ऑर्डर दे दीजिए ना मैडम, इज्जत चली जाएगी। कोई बात नहीं, जान तो नहीं जाएगी ना। ऑर्डर करो। थैंक यू मैम। Let's go, madam. कई बार लगता है कि कोई काम हम कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम ट्राई ही नहीं करते, पर जब कोई हमें मजबूर करता है तब हम करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसे ही सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। तुम हर सिचुएशन में ऐसा ही फील करना, अपने आप इंग्लिश निकलेगी। I'll try. Good. थोड़ा फ्लुएंसी पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अच्छा होगा। ऑफिस के बाद घर आ जाना, नाइट क्लास स्टार्ट करते हैं। हाय मैडम। हाय।
कम इन। घर कितना अच्छा है मैडम। थैंक्स। इतने बड़े फ्लैट में आप अकेली रहती हो क्या? हाँ, क्यों? बहुत हिम्मत है आप में मैडम। अगर मैं होता तो अकेले रूम में रहने की हिम्मत ही नहीं करता, उसके बजाय इसके या उसके रूम में जाकर सो जाता। क्यों, डर लगता है? नहीं नहीं, डर नहीं लगता मुझे, वो डर ही है मैडम। मैडम, आप अकेली रहती हो तो आपको बोर नहीं होता क्या? बोर तो हो जाती हूँ, पर मेरा यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। मतलब आप मुझे अपने फ्रेंड की तरह भी ट्रीट नहीं कर रही हो क्या? नहीं। ये तो कमाल है, बिना हिचकिचाहट के आपने यूं ही हाँ कह दिया मैडम। तुमने मेरे लिए ऐसा क्या किया जो तुम्हें अपना फ्रेंड मानूं? अरे आपके पास मैं फीस दिए बिना सीख रहा हूँ मैडम। हेलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा रही हूँ, वो भी फीस लिए बिना। ये तो बात सही है। लॉन्ग वीकेंड है, यहाँ बहुत बोर हो रहा है, मुंबई जाने का मन कर रहा है। तो फिर कहीं ट्रिप पर चली जाइए ना। अगर मेरा फ्रेंड बनना है तो एक काम करना होगा। क्या करना होगा? मुझे कोई अच्छी सी जगह पर ले चलो। क्या कहा? मैं आपको? मैं आपको ले चलूं? तो फिर ऑफिस में सबको ले चलो। वो मेरा मतलब वो नहीं था मैडम, कैसे चले वो सोच रहा हूँ। तुम्हारी बाइक पर चलते हैं। बाइक पर? ओके, कहाँ चले बताइए ना। अरे इतना क्या सोच रहे हो, कल सुबह बाइक निकालो, जहाँ मन किया चलेंगे। शिवा, तुम्हारी कोई लव स्टोरी है क्या? हाँ क्यों नहीं, 13-14 लव स्टोरीज हैं। अच्छा चलो एक बताओ। एक बार मैं बस स्टॉप पर बस के लिए वेट कर रहा था, तभी दूसरी बस आ गई थी और उस बस की खिड़की से मुझे एक लड़की ने देख लिया। उस पल के लिए लगा कि वो लड़की ही मेरी जिंदगी है, उस लड़की के साथ मुझे मेरी जिंदगी नजर आएगी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और क्या, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो बस वहां से चली गई। पर इसमें लव का है? हां है ना, वो मुझे ही पता चलेगा ना। सब ऐसी वन साइडेड लव स्टोरी है क्या? हाँ। और एक बात, मंदिर में जब नारियल फोड़ते हैं ना, हाँ। तो एक हिस्सा वापस देते हैं ना, जब वो भूलकर मैं वहाँ से जा रहा था तो पीछे से मुझे एक देवी ने आवाज दी थी और बस हमारी शादी हो गई थी, हमारे बच्चों का मुंडन, फिर उनकी पढ़ाई और फिर उनकी भी शादी हो गई। भूख देते वक्त अगर लड़की का हाथ लग गया तो वो लव स्टोरी है, पीछे मुड़ते वक्त अगर लड़की की चुनरी उड़कर चेहरे पर आ गई तो फिर वो भी लव स्टोरी। आपस में हंसते हुए गलती से अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो वो मेरी तरफ ही देखकर हंसी, ये सोचकर मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे देता हूँ। हेलो, और एक लव स्टोरी। ऐसे कहे तो हम लड़कों के पास बहुत सी लव स्टोरियाँ दिल में होती है, कभी कभी 100 या फिर 1000 भी होती है। अच्छा बस करो, बहुत हुआ। अच्छा मेरी छोड़िए, आपकी कोई लव स्टोरी? मेरी भी एक लव स्टोरी थी, वो मेरा सीनियर था, उसके साथ ब्रेकअप होने के बाद मैंने तुम्हें देखा था बस। झटका लगा दे और तुमको तड़ाम, वो क्या है ना।
किस भी उस दिन की तरह ही है क्या शशि? वो एक्सीडेंट था, ये कमिटमेंट है। उस दिन मैं उस पर गुस्सा थी इसलिए किस किया, आज मुझे तुम पसंद हो इसलिए किया। बहुत से लोगों को लव एट फर्स्ट साइट से हो जाता है, लेकिन ये लव एट फर्स्ट किस से हुआ है। आई लव यू शशि। शिवा, तुम माइंड रीड कर लेते हो क्या? मैं एग्जैक्टली यही तुम्हें कहना चाह रही थी, मुझसे पहले तुमने कह दिया। आई लव यू टू शिवा। मेरी लाइफ में मैंने तुमसे ज्यादा जेन्युइन पर्सन कभी नहीं देखा। छोड़कर मैं गेट तक भी नहीं जा पा रही हूँ शिवा। तुम मेरे साथ रहते हो तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं भी। These three days were the best days of my entire life। हमेशा संक्रांति के तीन दिन ही याद रहते हैं, पर ये तीन दिन संक्रांति से भी ज्यादा बेहतर थे। मन कर रहा है कि मैं तुम्हें यहीं पर रोक लूं। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा शशि, लेकिन कल दोबारा ऑफिस में तो मिलेंगे ही ना। मिलना अलग होता है और साथ रहना अलग होता है। मैं तुमसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। तो अब क्या करें? तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ, हम दोनों इसी फ्लैट में रहेंगे। क्या कहा? हम दोनों यहाँ? किसी को अगर पता चल गया तो? मैं हमारे बारे में सोच रही हूँ और तुम बाकी सबके बारे में सोच रहे हो। प्लीज मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ ना। रेंट शेयर नहीं करेंगे, लाइफ शेयर करेंगे। हट! ये रूम है या आश्रम है? ऐसा दरवाजा खोल के सो रहे हो तो कैसे चलेगा?
कोई आकर अगर सबको चुरा कर ले गया तो? कुछ दिन पहले मेरी दो पैंट्स और 750 रुपए कैश चोरी हो गया था, ऐसा कैसे चलेगा? ए, क्या हुआ? अरे होने के लिए क्या है? किचन अच्छे से रखना चाहिए, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? साफ नहीं है क्या? रूम पूरा डर्टी 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 है, यहीं पर खाते हो, यहीं पर घूमते हो और यहीं पर सो जाते हो, लेकिन रूम नहीं पहुंचते। आई कांट। अरे यार ये बदबू। क्या हुआ? हफ्ते में एक बार तो नहाते हो, नहाने के बाद टैप बंद नहीं करते हो। बंद ही तो है। ऐसे रूम में मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मैं बस जा रहा हूँ। अरे रुकना, क्या नखरा कर रहा है? बहुत नखरा कर रहा है। क्या हुआ? किचन क्लीन नहीं है, रूम साफ नहीं है, बाथरूम क्लीन नहीं है ना? नहीं। क्यों? है ना, है। नाटक क्यों कर रहा है? वो मैं क्यों कर रहा है? घर बदलने के लिए। देखा, घर बदलने के लिए। नहीं, शशि नहा रही हो क्या? हाँ शिवा, बस 5 मिनट तो आ रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं। वैसे कौन सा सोप इस्तेमाल करती हो? लक्स। हाँ लक्स, अच्छा तो इसीलिए इतनी गोरी दिखती हो क्या? अरे बाप रे, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। जरा हटो तो। डोर बंद क्यों नहीं किया था? घर में सिर्फ तुम और मैं ही तो रहते हैं, बंद करने की क्या जरूरत? पापा जी, पिक करूं? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। हाँ पापा जी। क्या हुआ, कहाँ मर गया था, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो मीटिंग में बिजी हूँ पापा जी। अरे इसकी तो इतनी जल्दी मीटिंग, नाइट मीटिंग में दारू देते हैं क्या? पापा ये सॉफ्टवेयर ऑफिस है पापा। देख मेरी बात सुन, तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा होगी तो दहेज 1 करोड़ फिक्स है। क्या है? 1 करोड़ दहेज चाहिए तुम्हें? नहीं वो मेरे पापा बस 1 करोड़ दहेज चाहिए। नहीं नहीं, बोलो बोलो, 1 करोड़ लोगे नहीं तो? चाहिए। हाँ? नहीं। कौन हो सकता है? इससे पहले करंट चला गया और अभी ये कॉलिंग बेल बजी है। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। शिवा ये हमारा फ्लैट है, डर किस बात का? सरप्राइज, हाउ आर यू माय डियर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तू यहाँ अचानक बिना कॉल किए ऐसे? शशि, who's he? हीरो जैसा लग रहा है। शिवा, my boyfriend. शिवा, ये शीना है, my bestie. हाय। अच्छा लड़का लग रहा है, मैं भी शेयर कर सकती हूँ? मारूंगी, बहुत अच्छा लड़का है, इनोसेंट भी है, थोड़ा डरपोक भी। और कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज है तो मैं चेक करके बता सकती हूँ। ए, उसे डराना मत, हाँ बेचारा आज ही आया है और तू भी आ गई, इसीलिए एक्साइटमेंट कम हो गया लगता है। कोई बात नहीं। शिवा, इससे पहले तुमने किसी को डेट किया है क्या? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। शीना, रुको ना, इंटरेक्ट तो करने दो। क्यों नहीं किया तुमने? किसी लड़की ने कभी तुम्हें अप्रोच नहीं किया या फिर तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? अप्रोच करने से पहले मुझे जो लड़की पसंद है उसने मुझे अप्रोच कर दिया। इस बीच में आपने कबाब में हड्डी की तरह हम दोनों को अप्रोच कर दिया। क्यों शशि, पूरा घर तो शांत है, ऐसा लगता है स्पीड ब्रेकर्स भी नहीं है।
भले ही जेल चला जाऊं कोई परवाह नहीं, इससे तो मार ही दूंगा अभी मैं। हाय शिवा। हाय शशि। हाय। I'll give party tonight. अगर तुम चली जाओ तो मैं तुम्हें दूंगा बड़ी पार्टी। मैं भी सेंड ऑफ पार्टी की बात कर रही हूँ। मैंने मन में कहा तो तुम्हें कहाँ से सुनाई दिया? मुझे लगा मैं मन में बोल रही हूँ, पर मैंने बाहर बोल दिया। पार्टी खत्म होने के बाद अगर मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया तो मैं चली जाऊंगी। अरे लड़कों में भी लचक होती है क्या? वैसे जिन लड़कों में लचक होती है ना, उनके साथ रोमांस करने में मजा आता है। Shut up. Hey. Hey, आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? वो तुम्हें देर हो रही है ना इसलिए। What happened? कार स्टार्ट नहीं हो रही है यार। What? अब मैं कैसे जाऊंगी? कैब आ गई है। कैब किसने बुक की? मैंने। शीना, हैप्पी जर्नी। ओके। मिस यू शीना। मिस यू लॉट। आई कांट लिव विदाउट यू। ये थोड़ा ओवर नहीं हो रहा? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट टाइम कॉल करके आना। बाय। शीना। 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 अब बस हुआ, चलो। मिस्टर शिवा, आपने गलत एक्सपीरियंस शो किया है, इसलिए आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है। कल से आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। शिवा। अच्छा, मेरी जॉब भी तुम सेव नहीं कर पाई हो। सॉरी यार। मैंने सच में बहुत कोशिश की थी शिवा। इट्स ओके यार, आई नीड अ ब्रेक। शिवा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आते वक्त डिनर लेते आऊंगी। अरे क्यों, मैं बनाऊंगा ना। खाना बहुत अच्छा है शिवा। शिवा, मेरी एक फ्रेंड है, वो रेफरेंस दे रही है, इंटरव्यू के लिए जाओगे? अगर वो जॉब भी चली गई तो? मतलब जॉब करनी ही नहीं है? नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। ये क्या, खाना क्यों नहीं बनाया? क्यों, मैं क्या इस घर का बावर्ची हूँ? खाली तो बैठे रहते हो। इतना बोझ बन गया हूँ क्या शिवा? मेरा सिर्फ मेरा है तू, तेरी सिर्फ तेरी मैं हूँ। दिन ब दिन तुम गिरते जा रहे हो शिवा। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो शशि, इसलिए मैं नीचे गिर रहा हूँ ऐसा लग रहा है क्या? हेलो शिवा, कहाँ हो? ओ, आऊंगा कहाँ था लेकिन भूल गया। तुम भूल गए? अभी नहीं आ सकता, तुम खुद ही आ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा शिवा, इसलिए तुम्हें बुला रही हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं दारू पीने आया हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शशि। शिवा, मेरा मूड नहीं है। लेकिन मेरा तो है ना। कैसे क्या तू हो गया तू ये समय।
शिवा, लेट्स ब्रेक अप। हम खुश तो हैं ना शशि? रोज हाफ एन आवर जो तुम मुझे बेड में सेटिस्फाई करते हो, उसके लिए मैं 23.5 आवर्स तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो लेट्स ब्रेक अप। वैसे भी जब सब सही चल रहा है तो साथ देने का मतलब बनता है, पर ऐसे छोटे मोटे झगड़ों से कोई ऐसे अलग थोड़ी हो जाता है। डोंट ट्राई टू कन्विंस मी, आई ऑलरेडी टुक द डिसीजन। वैसे तुमने सच में प्यार किया था क्या? सर, जब पी मैंने रखी है तो तुझे नशा चढ़ रहा है? नहीं सर, सॉरी सर। मंजिल यही है बॉस, मुझे भी यही गाना चाहिए। वो मुझे छोड़ के चली गई भाई। ये लड़कियां हमें बिल्कुल समझ नहीं पाती है। आपका घर आ गया। सुपर्ब गाना लगाया था भाई। थैंक यू सर। तुम्हारे लिए 100 और सॉन्ग के लिए 100। एंजॉय। आप सुपर हो सर। प्यार में चाहे जो भी हो सब भुगतेंगे। अरे शशि, तुम आ गई? ये फुलिश बिहेव मत करो शशि, छोटी छोटी बातों से कोई जुदा होता है क्या? अगर कभी कभार हो तो छोटी बात होती है, बहुत बार हो तो बड़ी बात होती है, और अगर रोज हो तो। लुक शशि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी साइड से गलती नहीं हुई है, लेकिन मैं भी तुम्हारी गलती पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं ना। लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स, तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा और मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे इन सबकी जरूरत नहीं है। एनीवे, आई टुक अ डिसीजन एंड आई डोंट वांट टू बी विद यू एनीवे। कोई परवाह नहीं, एक साल में माइंड रीडिंग तुमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया। मेरे मन में क्या है तुमने भी वही कहा। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, और मेरी गलतियां मुझे रोज याद दिलाना चाहती हो तो वो फोटो वहीं पर रखना होगा। यहां रहोगे तो रोज तुम्हारी याद आएगी, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूं। तो इस फोटो में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ये कैसे सोच लिया? ना ये फोटोज चाहिए, ना फोन में फोटोज। तुमसे रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग योर नंबर। आई हैव डिलीटेड एवरीथिंग। एक काम करो, तुम भी सब डिलीट कर दो। कोई बात नहीं, कर दूंगा। नो, अभी करो, इन फ्रंट ऑफ मी। क्यों, भरोसा नहीं है क्या? ओह सॉरी, भरोसा होता तो हम दोनों अलग ही नहीं होते ना। फोन कहाँ रख दिया? इतनी पीली थी कि फोन कहाँ रखा है ये भी याद नहीं है। जरा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। अगर इतनी जल्दी है तो कॉल करो ना, रिंग सुनाई देगी। ओह सॉरी, मेरा नंबर तुमने डिलीट कर दिया होगा ना, वापस बता दूं? अच्छा याद है, फोन फॉर्मेट करने जैसा इजी नहीं है, इसे फॉर्मेट करना। इट्स रिंगिंग। लेकिन यहाँ की सुनाई नहीं दे रहा। साइलेंट पे रखा था क्या? अब कहाँ रखा है ये नहीं पता तो फोन साइलेंट मोड में है या फ्लाइट मोड में है ये कैसे पता चलेगा? क्या हुआ? समवन कट द कॉल। क्या, कट कर दिया? कॉल अगेन। स्पीकर, स्पीकर ऑन करो। Switched off. Don't worry, Shashi. Phone कहीं नहीं जाएगा। अगर गुम हो भी गया हो तो क्या हुआ? Oh.
नेट पर कैसे आया? वो दोनों क्या अपनी साथ है या गुस्सा होने के कारण उन्होंने इसे लीक कर दिया? पूरी बातें ब्रेक के बाद करेंगे। लीक हुआ लवर्स का प्राइवेट रोमांटिक वीडियो नेट पर हलचल मचा रहा है, पर ये वीडियो नेट पर कैसे आया? वो दोनों क्या अपनी साथ है या गुस्सा होने के कारण उन्होंने इसे लीक कर दिया? पूरी बातें ब्रेक के बाद करेंगे। Welcome back. जो चीजें चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए वो चीजें टेक्नोलॉजी की वजह से पब्लिक हो जाती हैं, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे कुछ लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये टाइम पास है। लोगों का सोचना है कि बदलते समय के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। हमारे देश के युवक गलत राह पर चल पड़े हैं। पहले ऐसी चीजें सिर्फ परिवार के बीच रहती थी, पर अब टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोगों के बीच आ जाती है, जिससे कि काफी लोगों की निजी जिंदगियों पर असर पड़ता है, जो कि ठीक नहीं है। बेंगलुरु के एक पार्क में बना एक रोमांटिक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर हलचल मचा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने की वजह से उस महिला ने आत्महत्या कर ली है। लोग दुख जाहिर कर रहे हैं, पर क्या उनके दुख जाहिर करने से इस लड़की की जान वापस आ जाएगी? रो मत शशि, वो वीडियो हमारा नहीं है। हमारा वीडियो भी लीक हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा शशि, हिम्मत रखो ना। तुम कहाँ चली गई थी शशि? कॉल भी पिकअप नहीं किया तुमने। क्यों, इतना मिस किया मुझे? आधा घंटा इतना बुरा होता है अगर ये पता होता ना तो मैं भी तुम्हारे साथ ही आता। तुम्हारा बर्थडे है ना, थोड़ा सा सरप्राइज देना था। सरप्राइज? टन टन। वाओ, आईफोन। आईफोन में क्या सरप्राइज होता है? सबसे पहली फोटो हमारी सेल्फी होगी। सेल्फी में सरप्राइज क्या है? सबसे पहला वीडियो हमारे किसका होगा? इससे ज्यादा स्पेशल क्या चाहिए? हाँ, व्हाट? किस में स्पेशल क्या होता? शिवा। प्लीज शशि, कंट्रोल योरसेल्फ। फोन कहीं भी नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। तुम्हें ऐसे रोता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ शशि। वो वीडियो अगर लीक हो गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मतलब? तुम्हारी लाइफ है, मेरी नहीं है। तुम्हारा क्या है, तुम मर्द हो, कॉलर उठाकर घूमोगे। पीपल विल थिंक यू आर अ हीरो एंड आई एम अ फूल। अच्छा मैं हीरो? कितनी आसानी से कह दिया तुमने। क्यों, हमारे माँ बाप नहीं होते हैं क्या? हमारी फैमिली नहीं है? कुछ भी हो, मर्दों के साथ तो कंधे से कंधा मिलाती हो ना, सिगरेट फूंकती हो, दारू पीती हो और ऐसे सेल्फी वीडियो भी तो खींचती हो ना। देखो ऐसी सिचुएशन आने पर ही ऐसे बैठकर रोते हुए तुम्हें क्या है? तुम तो मर्द हो ना। हम तो लड़कियां हैं। क्यों, ऐसी सिचुएशन में ही तुम्हें याद आती है क्या कि तुम लड़की हो? यू नो वन थिंग, आई डिडंट जस्ट डू दिस, आई मेड लव टू यू। स्टॉप इट शिवा। जानू, खाना खा लिया? कट 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 कट। क्या ये, इतने अच्छे डायलॉग को तुम किस तरीके से डिलीवरी कर रहे हो? थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करो, थोड़ा फील होना चाहिए ना। ओके सर, सॉरी सर, सॉरी सर, वन मोर सर। हां ठीक है, चलो करो करो। जानू, खाना खा लिया? अपना फोन साइलेंट में रखो। एक मिनट सर, ये फोन नहीं उठाऊंगा तो वो मुझे खा जाएगा। बस एक मिनट सर। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ये लोग। शिवा, खाना खा लिया? खा लिया, बहुत खा लिया। अब वो सब छोड़, मुझे एक हेल्प चाहिए। ए, मंथ एंड है, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, वो बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है क्या? तो फिर तुम्हारे लिए जान हाजिर है, बोलो क्या चाहिए। मेरा फोन गुम हो गया है, कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा है, उसे किसी भी तरह ट्रेस कर सकता है क्या? फोन स्विच ऑफ हुआ है तो उसे ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे सुन, एक मिनट, फोन मिलते ही मेरे बार में आ जाना, हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे, क्या बोलता है? अगर मिला
पीता नहीं, फिर भी आ जाना, फुल पीते हैं। बार शशि, कल रात को मैं एक बार में पीने के लिए बैठा था, हो सकता है फोन वहीं पर मिसप्लेस हुआ हो। मैं जाके देख के आता हूँ। मैं भी आती हूँ। मैं जा रहा हूँ बार में, आई कैन हैंडल, कुछ नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा ताकि कुछ ना हो, फोन मिलते ही तुम डिलीट कर दोगे, इसका क्या भरोसा। चले मिस। ओके मिस्टर। प्लीज थोड़ा फास्ट चलाओगे क्या? मुझे डर लगता है। डर क्यों लगता है? मैं हूँ ना साथ पे। तो डर को भगा दो। एक्सक्यूज मी। यस सर। कल मैं यहाँ पर पीने बैठा था। यहाँ पर सब पीने के लिए आते हैं सर। मेरा फोन यहीं पर मिसप्लेस हुआ है। ओ, वो आपका फोन है क्या? जी हाँ, वो मेरा ही है। एक मिनट सर। थैंक गॉड। अरे फोन कहाँ गया? ड्रॉअर में ही है सर। ये मेरा नहीं है, मेरा तो आईफोन है। हमारे स्टाफ को तो यही फोन मिला है सर। वैसे भी आईफोन कोई वापस करता है क्या? एक मिनट सर। हेलो, 10% डिस्काउंट हम आपको दे देंगे सर। हेलो बॉयज, हे बॉयज, हे, आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरा फोन है। आई एम सॉरी। सारे आईफोन एक जैसे ही दिखते हैं, इसका मतलब सारे फोन आपके नहीं हो जाएंगे। सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं बॉयज। शशि तुम्हारा फोन देना जरा। भैया फोन आ रहा है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। कोई नया बुलबाई। भैया खोलता हूँ, भैया खोलता हूँ। अच्छा तू है क्या? हाँ बोल, क्या हुआ? नाइट में कहीं तूने मेरा फोन लिया था, कहीं उसका लेकर तो नहीं आ गया? नहीं भाई, अपना ही लाया हूँ। क्यों, क्या हुआ? रात से मेरा फोन नहीं मिल रहा यार। तेरी ग्लास का दारू पिया तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएगा। अरे बात वो नहीं है। तो गुस्सा क्यों कर रहा है? फोन गुम हो गया तो नया फोन ले ले। मैं दुखी हूँ, फोन गया इसलिए नहीं। सेल्फी भी गई इसलिए, दोबारा खींच ले। उसमें हम दोनों के प्राइवेट वीडियोस थे यार। वीडियो थे? मुझे क्यों नहीं भेजा यार? सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। वीडियो कहते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लग गए यार। वैसे भी ऐसे कैसे ले लिया यार? लोग सारे ऐसे हैं कि लोगों का तो छोड़ दे यार, हम जैसे लोग ही ऐसे वीडियोस देखना बंद नहीं करते। तूने भी इतने देख लिए। और तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? एक बात बता, तूने वीडियो क्यों बनाया? क्या है शशि ये सब? ऑफिस में सभी को इतना धमका कर रखती हो, और एक दिन तुम्हें फीवर आया तो तुम्हारा ये हाल हो गया है। फीवर आता है तो सबका यही हाल होता है। टैबलेट्स लाए हो क्या? ये लो दो मुझे। असल में टैबलेट्स कब लेते हैं तुम्हें पता है क्या? जब फीवर आता है तब। नहीं, बुखार आने पर ध्यान रखने के लिए पास में कोई नहीं होता है तब, जब साथ कोई हो और वो ध्यान नहीं देता हो तब। लेकिन तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। क्या कर रहे हो, ठंड लग रही है। तुमने ही तो कहा था ना कि इतने ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी अंदर की ठंड रुकी नहीं रही, इसलिए हमसे ज्यादा गर्म ब्लैंकेट किसी ने नहीं बनाई, पता है क्या? प्लीज तुम्हें भी बुखार हो जाएगा। अरे मेरी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा है, पता है तुमको?
रेजिस्टेंस पावर। असल में कुछ याद नहीं आ रहा है शशि। नाइट में मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया था, उसके बाद कंप्लीटली ब्लॉक हो गया था माइंड। कितनी बार कहा कि फोन में सिक्योरिटी लॉक रहो, पर तुमने नहीं सुनी कभी। मेरा फोन तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं लेता, तुमसे मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने लॉक नहीं किया था। लेकिन अब वो फोन किसी और के हाथ में है, वो वीडियो उसने देख लिया तो। अरे देखने के लिए फोन ऑन करना होगा ना शशि। रात को देखकर स्विच ऑफ कर लिया होगा तू। शशि मैं तुम्हें हिम्मत देने के लिए पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, तो तुम उससे ज्यादा नेगेटिव बात कर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। इनफ शशि। सुन भाई, तू जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर। खेतवाड़ी पुलिस स्टेशन का सीआई मेरा दोस्त है, मैंने कॉल कर दिया है, उसे बोल मेरा फ्रेंड है और जाकर मिल ले। वैसे वो सीआई को तू कैसे जानता है? अब जितना बोला उतना करना भाई। आजकल चोरी कहाँ होती है, रोड पर हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। ध्यान से डील करो, ठीक है? मैं बाद में फोन करता हूँ। नमस्ते सर। क्या बात है? मेरा नाम शिवा है सर, मेरा फोन गुम हो गया है। हाँ, अगर फोन खो गया है तो सीधे सीआई को आकर कंप्लेंट करोगे क्या? जाकर कांस्टेबल को कंप्लेंट दे दो, जा। मैं वल्लभ भाई का फ्रेंड हूँ, उसने कहा था कि उसने आपको कॉल किया है। वल्लभ भाई वो अमलापुरम वाला ही है ना? हाँ जी, हाँ सर। उसने बहुत बार फोन किया पर मैंने उठाया नहीं, आखिर बात क्या है? वो फोन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर, थोड़ा सा अर्जेंट है। अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो दूसरा फोन खरीद लो, यहाँ तो टाइम लग जाएगा। वल्लभ भाई ने कहा था कि वो आपसे बात करेंगे। क्या वल्लभ भाई, वल्लभ भाई वो कोई होम मिनिस्टर है क्या? बेटिंग केस में पकड़ा गया था, पुलिस से बचने के लिए 10,000 रुपए दिए थे उसने। हाँ पर वो फोन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ये लो भाई, ये फोन ले जाओ। सर वो फोन बहुत इम्पोर्टेंट है, मिल जाए तो इन्फॉर्म कीजिएगा। मिलते ही इन्फॉर्म कर देंगे। शिवा, वल्लभ भाई का फोन आ रहा है। हेलो। क्यों भाई, क्या कहा उसने, मिला क्या? उसने कहा टाइम लगेगा। लगेगा तो सही, ये दारू पीने जितना आसान नहीं है, चोरी का माल ढूंढने में टाइम लगता है। एक्चुअली उसने वो बात भी बता दी। वो भी बताया क्या? ठीक है, शशि क्या कर रही है? वो तो रो रही है बेचारी। तुझे रोना नहीं आ रहा क्या? ठीक है, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन। रोना धोना बंद करके चोरी का सेकंड हैंड फोन मिलने वाली जगह, आईफोन का लॉक खोलने वाली जगह हैदराबाद में जहाँ कहीं भी है वहाँ ढूंढ। मिल जाएगा क्या? अरे जरूर मिल जाएगा, जिसे मिलता है वो छुपाता है, जो चुराता है वो बेचता है। आईफोन का लॉक खोलना मतलब दरवाजे का ताला तोड़ना, इतना इजी समझा है क्या? कितना प्रोसेस होता है पता है? कुछ पता तो है नहीं, बस मुंह उठा के चले आते हैं। 2,000 से 1 रुपए भी कम हुआ तो लॉक ओपन नहीं होगा। चल। हाँ जी बताइए, किस मॉडल के फोन का लॉक खोलना है? आईफोन 6s। किस कंट्री का है? इंडिया का ही है। इंडिया का, तो फिर लॉक क्यों खोलना है? ऐसा कहकर अगर कोई मेरा फोन लेके आया तो मुझे इन्फॉर्म करना। ये मेरा नंबर है, फ्री में करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे दूंगा इसके। सस्ता फोन, फुल डिस्काउंट के साथ फोन मिल रहा है। ये बहुत महंगा है, रहने दो, इसे मैं नहीं ले पाऊंगा। आईफोन 6s है क्या भाई? आईफोन 7 है। अरे रात को एक आईफोन 6 आया था ना साहब, को वाला फोन दिखाओ। अच्छा हाँ, भूल गया साहब, ये नहीं, मेरा सिल्वर कलर का है। तेरा? तेरा कैसे? वो मेरा फोन कल गुम हो गया है, कहीं आपके शॉप में बेचा तो नहीं था इसलिए। ए, तुम क्या हम पर शक कर रहे हो? ये कोई चोरी का माल बेचने वाली शॉप नहीं है। बात वो नहीं है, चलो जाओ, मैं पैसे देकर ले जाऊंगा। निकलो, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। भैया मेरी बात तो सुनिए ना, एक ग्राहक का टाइम हो रहा है, निकल यहाँ से। भाई वो चल, निकल रहे, चल 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 आगे बढ़िए। MI Note Pro जल्दी आओ लेके जाओ। Hey Shashi, where are you? We are all waiting for you. What happened, Shashi? Ashok, I can't come to office today. Oh my God!
अरे ऐसा कैसे हो गया? हाँ ठीक है अच्छा सुनो, जब तक फोन ना मिल जाए शिवा के साथ ही रहना, चिंता मत करो फोन मिल जाएगा, अगर कोई जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू शशि। हेलो भाई, कुछ पता चला क्या? नहीं यार, मैंने ट्राई तो बहुत किया बट नो यूज। तुझसे बात करने के बाद मेरी चिंता तो बढ़ती जा रही है कि क्या हुआ होगा। तुम लोगों के बारे में सोच कर मुझे बहुत डर लग रहा है। तू शशि का ध्यान रख, वो कहीं कुछ करना बैठे। ठीक है यार। थोड़ा पानी पी लो शशि, हम हर तरीके से ट्राई कर रहे हैं ना, आई एम श्योर हमारा फोन हमें जरूर मिल जाएगा। अगर वो वीडियो हमारे हाथ से निकल गया फिर भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो बस हिम्मत रखो शशि। शिवा पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फोन तुम्ही ने छुपा कर रखा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। Are you mad? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है क्या? किस लिए करूंगा जरा बताओ? तुम्हारी सुंदरता के लिए या तुम्हारे पैसों के लिए? क्यों मेरे पास नहीं है क्या? मेरे पास भी है। छी है तुम्हारी जिंदगी पर, तुम पर गुस्सा दया जो भी आ रहा था ना वो सब कुछ मिट गया है। तुम्हारा गला घोटने का मन कर रहा है मेरा, मार नहीं पाया इसलिए मैंने चूमा तुम्हें, ये हूं मैं। वैसे भी तुमने कहा था कि मर जाएंगे फिर भी साथ रहेंगे, साथ में रहेंगे, मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ा हूं ना, इसलिए मुझे खुद को चप्पल मारनी चाहिए। शाम तक किसी भी तरह वो फोन में हासिल करके रहूंगा समझे, और तुम्हारे सामने वो वीडियो डिलीट करके तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मेरे साथ कुछ बात मत करना, दिमाग खराब हुआ तो मार दूंगा तुम्हें। यहाँ क्यों रुके? सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है तो
थोड़ी थकी रहोगी, कुछ खा लेते हैं ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो। डरने के लिए या दुखी होने के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए। मैं जाकर कुछ लेके आता हूँ। शशि, शशि, भैया मेरे साथ एक लड़की आई थी, वो कहीं बाहर गई है क्या? मुझे नहीं पता है। भैया यहाँ पर एक लड़की आई थी क्या? अभी एक लड़की ऑटो में गई है यहाँ से। ऑटो में? हाँ बोलना यार। Hey sexy, what a physique you have, फुर्सत में बनाया लगता तुम्हें। Who's this? तुम्हें मेरा नाम चाहिए या तुम्हें अपना वीडियो चाहिए? वीडियो? कैसा वीडियो? सॉरी, वीडियो तुम्हारा नहीं है क्या? रॉन्ग नंबर है। हेलो, प्लीज प्लीज प्लीज, आप कौन है, आपको क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए as it is, जैसे वीडियो में हो वैसे ही। But I promise, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आओ एंटरटेन करो और फोन लेके जाओ, तुम्हारे पास आधे घंटे का वक्त है। एड्रेस ऑलरेडी मैंने मैसेज कर दिया है। बाय बाय। अशोक? यस मिस शशि, इट्स मी। प्लीज अशोक, फ्रेंड कहा था तुम्हें और तुम ऐसा कर रहे हो। अच्छे से पूछता तो मान जाती क्या? लुक शशि, ऑफिस में सब नखरे करना, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम नहीं है अपने पास, सिर्फ आधा घंटा। प्लीज अशोक, No, no, don't do this. देखो बेबी, मैं इतना सीधा नहीं हूँ, इसलिए ऐसा मत करो। Just one day, क्या तुम भी? सिर्फ आधा घंटा। वाह 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 वाह, क्या मस्त वीडियो है। अगर देर करोगी ना तो YouTube पे सबसे तेजी से वायरल होने वाला तुम्हारा ही वीडियो होगा। सबसे पहले फोन निकाल वो। वो वीडियो मेरे पास नहीं है। नहीं शिवा, इसी के पास है, इसने मुझे दिखाया अभी। निकाल। सच में मेरे पास नहीं है, वो ऑलरेडी डरी हुई है, इसलिए मैंने एडवांटेज लिया। चाहो तो मेरा फोन देख लो। देखो फोन में सिर्फ लड़की आई है, तुम लोग ऐसे लोगों पर भरोसा करते हो और मुझे ऐसे इंसान पर बहुत शक करती हो ना? ऊपर से जनरलाइज करके सारे मर्द ऐसे ही होते हैं कहकर गालियां भी भर भर के देती हो। चल तेरी तो, तुझे तो मार दूंगा। जब प्रॉब्लम में होते हैं तब सॉल्यूशन तलाशना चाहिए, दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। शिवा, वल्लभ भाई का फोन आ रहा है। हेलो। अरे सुन, अपने गांव के राम बाबू को पहचानता है ना? हाँ तो? सुना है वो आजकल गाड़ी में घूम रहा है। अरे मैं किस सिचुएशन में हूँ और तू क्या बात कर रहा है? अरे मेरी बात तो सुन, वो कौन सा काम करता है ये पता है? वो ऐसे सब वीडियोस कलेक्ट करके क्लाइंट्स को बेचता है। हर गुरुवार को बंच आता है और शुक्रवार को वो वेबसाइट पर डालते हैं। आज शुक्रवार है, कहीं तुम्हारा वीडियो भी। कहाँ पर रहता है वो? अब तक वीडियो आया क्यों नहीं? शाम तक अगर वीडियो नहीं आया तो कुचल दूंगा कमीने।
बात समझा कि नहीं राम बाबू? हे शिवा, तू ठीक तो है ना? हाँ। अभी अभी वल्लभ भाई ने मुझे फोन किया और सारी बात बताई। क्या बताया? यही, तुम्हारे ऑफिस में किसी लड़की का वीडियो आया है। चल अंदर चलते हैं, बात करते हैं। तो वल्लभ भाई अभी भी वैसे ही पीते हैं क्या? और सब ठीक चल रहा है ना? काम चलते रहना चाहिए। इस हफ्ते हमारे पास पूरे 36 वीडियोस आए हैं। एक्चुअली ये सब किसी को दिखाता नहीं हो, पार्टनर को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। पर यार तू मेरे गांव का है ना, ऊपर से वल्लभ भाई का रिकमेंडेशन। देख ले यार, देख। ठीक है, तू जल्दी से ये सब देख ले। ए चलो रे, सिगरेट पी के आते हैं। कल पार्क में जो फोटो ली थी वो भेजो सरा, मुझे अपनी डीपी बदल दी है। फोन वहीं पर है शशि, खुद ही भेज दो। शिवा, ये कैसे रिकॉर्ड हो गया? लेकिन अच्छा है ना? डिलीट करो, अभी डिलीट करो। रहने दो ना शशि, जब मूड ऑफ होगा तो ये मूड बना देगा। क्यों, यही है क्या? हाँ वही है। ठीक है, देखते हैं। माफ कर दो भाई। क्यों भाई, तुझे मिल गया ना? सॉरी यार राम बाबू। हाँ, हमारे बीच में थैंक्स कैसा? थैंक्स क्यों कह रहा? ये सॉरी क्यों बोल कर गया? शिट। What do you want, ma'am? अब तक कल का बेंगलुरु का वीडियो ma'am. हम भूले नहीं थे, और आज हैदराबाद में एक जोड़ी का वीडियो नेट पर हलचल मचा रहा है। ये दोनों लवर्स हैं या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, या ये एक नया शादीशुदा जोड़ा है। जो भी हो, उनकी निजी जिंदगी अब निजी नहीं रही है। क्या आवेश में आकर उन्होंने ये गलती की है, या फिर ये गलती इनके पेरेंट्स की है? शशि, तुमने ऐसा क्यों किया? ऑफिस में सब लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, पता है? ए शिवा, लकी बॉय। हे शशि, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम ऐसा कर सकती हो, मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अगर अंकल आंटी को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा सोचा तुमने? क्या कर दिया तुमने? ये कैसे कर सकती है तुम ये सब? क्या उनसे ये गलती आवेश
बीच में आकर हो गई है या इसमें उनके पेरेंट्स की गलती है? इस वक्त उन लोगों पर क्या मिल रही होगी? इस बारे में उनके पेरेंट्स को पता चलने पर क्या उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये हमें पता नहीं। हैदराबाद की एक जोड़ी का वीडियो नेट पर हलचल मचा रहा है। ये दोनों लवर्स हैं या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, या ये एक नया शादीशुदा जोड़ा है? तुम्हारे बारे में सब क्या क्या बातें कर रहे हैं बेटा? मैम, योर कॉफी। क्या किया तूने? तेरा वीडियो नहीं था तो निकल जाना चाहिए था। बाकी के वीडियोस क्यों डिलीट किए? तू हमारी हेल्प कर रहा था, तूने उसका बिजनेस बिगाड़ दिया। अरे वल्लभ भाई, वो कोई बिजनेस होता है क्या? ऐसे इंसानों के साथ खेलना? ऐसे बिजनेस करने से इंसानों की जिंदगी बर्बाद होती है, तो क्या फायदा? इसलिए मैंने ऐसा किया। आज सुबह से मैं अपने अकेले के बारे में ही सोच रहा हूँ, तुझे पता है? और ऐसे वीडियो की वजह से अफेक्ट होने वाली जिंदगी मेरे आंखों के सामने घूम रही है। मुझे अच्छा नहीं लगा यार। शशि का क्या होगा ये सोचकर मेरा दिल डर के मारे कांप रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ए, मैं एक बात बताता हूं, हम लोग भले ही ये दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम जिसे पहचानते हैं उसे बदलने में कोशिश तो कर सकते हैं ना। कमीना कहीं का धोखा दे दिया उसने। हाँ बोल। उसका वीडियो चला गया, इस फ्रस्ट्रेशन में उसने सब डिलीट कर दिया, समझा ना? हे, बचपन में तूने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं तेरी हेल्प कर रहा था। तेरे दोस्त की वजह से मुझे 4 लाख का नुकसान हो गया। सुबह तक मुझे 6 वीडियोस अपलोड करने थे। अरे यार, इतनी सी बात है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। 6 क्या 7 वीडियो अपलोड करेगा? हाँ ठीक है बोल। कुछ नहीं यार, वेरी सिंपल, घर जाके अपने माँ बाप के बेडरूम में कैमरा रख दे। भैया भाभी के बेडरूम में कैमरा रख दे। एक कैमरा अपने रूम में भी रख ले, सुबह तक 3 वीडियो रेडी। अरे वल्लभ भाई, अरे भूल गया था, तेरी जॉइंट फैमिली है ना, चाचा चाची बहन और चीजा जी, सबके रूम में कैमरा रख दे, सुबह तक जितने चाहिए उतने वीडियोस मिल जाएंगे। ये तू क्या बात कर रहा है बे? ज़बान संभाल कर, काट कर फेंक दूंगा, समझा क्या? मैं अपने घर पर क्यों रखूंगा? हा? तेरे घर पर ही नहीं, किसी के घर पर भी कैमरा रखेगा तो यही रिकॉर्ड होगा। 4 दीवारी के बीच में जो हुआ वो संस्कार है, 4 लोगों को बताकर उन्हें बदनाम मत कर। अच्छा, अचानक से अच्छी बातें कैसे करने लगा तू? ऐसे वीडियोस तू भी देखता है ना? हाँ देखता हूँ, ऐसे बहुत वीडियोस देखे, पर इस बार अपने दोस्त का दुख देखकर आज के बाद ऐसे वीडियोस कभी नहीं देखूंगा। और तू भी ये सब काम छोड़ दे, इसलिए मैंने तेरे माँ बाप के बारे में बात की, मुझे उन्हें नीचा दिखाना नहीं था। देख, हमारी भी माँ बहन है। शिवा ने एक बात बताई है, हम दुनिया को बदल नहीं सकते, पर पहचान वालों को तो बदल सकते हैं। मैं बदल गया, बाकी तेरी मर्जी। पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं भाई, याद रखना। आप हो, इस बात का मैंने कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन शशि ने भरोसा किया है। अभी वो मुझ पे भरोसा नहीं करने वाली, कम से कम आप तो भरोसे पर खरी उतरी है। वो फोन मुझे दिला दीजिए प्लीज। फोन मिला क्या? मुझे नहीं लगता कि अब फोन मिलेगा, अब कुछ नहीं कर सकते। वो फोन सुबह तक मिल जाएगा, इस बात पर भरोसा था क्या तुम्हें? तो उसी भरोसे पर फोन मिलने तक भरोसा करो, क्योंकि शशि, आई स्टिल बिलीव कि वो फोन मिल जाएगा। शिवा, किसी ने फोन ऑन किया है। What? कॉल करो। नो नो नो, कॉल करूंगा तो दोबारा से स्विच ऑफ कर देगा। GPS। शशि, फोन यहीं कहीं आसपास में है, तुम GPS देखती रहो।
यहाँ से सिक्योरिटी है ना? Yes, right. यहाँ से लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट, सॉरी सॉरी राइट, नो 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 लेफ्ट, नो नो राइट. ओह, राइट है या रॉन्ग है वो तुम्हें पता ही नहीं है? कम से कम लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा ये तो पता है ना? राइट. हाँ, आगे 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 सिग्नल के पास. क्या हुआ शिवा? अरे बोलो क्या हुआ? जीपीएस ऑफ कर दिया. What? फोन फोन फोन. यही पर शिवा. बेबी आई रियली लव यू बेबी. यहाँ पर सब देख रहे हैं कैसे चुमा दूं. डार्लिंग लेने का तो बहुत मन कर रहा है. ए हटना, सुनो ना तो बेटा, होल्ड करो. सर क्या रे, पर्स गुम हो गया है, कहाँ जाने के लिए तो पैसे क्या करूं नहीं मैं? चले आते हैं. अच्छा डार्लिंग सुनिए ना, एक मिनट रुकना. फोन जो है उसे आप रख लीजिए और 5,000 दे दीजिए मुझे. अरे ये डमी फोन है यार. नहीं सर, ब्रांडेड फोन है. अरे तू जाना यार, बेबी बहुत लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे. यहीं पर दिख रहा था शशि. ये फोन लेके पैसे नहीं है, गाँव जाने के लिए पैसे नहीं है. अगर आप पैसे दे दोगे तो मैं गाँव चला जाऊंगा. बोला ना पैसे नहीं है. अबे मैंने पी रखी है, तुझे भी चढ़ गई है क्या? शशि तुम यहीं पे रुको. ए रुक, मैं आ रहा हूँ. खड़ा क्यों है सर? आ जा. क्या हुआ, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा है? कोई पुलिस वाला तेरा पीछा कर रहा है क्या? नहीं भाई. फोन तूने बेचा या नहीं बेचा? प्लीज भैया, मेरा फोन मुझे दे दो भैया, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा. अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो नया खरीद लेना, इतना भाग कर क्यों आया है? बेंगलुरु के एक पार्क में हुआ रोमांटिक वीडियो बिना बताए किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है. ऐसा बताया जा रहा है कि ये वीडियो सीक्रेटली बनाया गया है, पर किसी दूसरे की जिंदगी में हर आदमी की अपनी एक. फोन के लिए ऐसे भागते हुए आया मतलब कि फोन में जरूर कोई गर्मा गर्म वीडियो होगा. प्लीज भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा फोन मुझे दे दो भैया. इसे देख के दया आ रही है, फोन दे रहे. छोड़ दो मुझे. पिक्चर दिखाओ, पूरी पिक्चर देखेंगे. शशि कम ऑन चलो.
फोन उन्हीं के पास है शिवा। हमारा फोन उनके पास नहीं है। मैंने उस बार में जो फोन चुराया था वो आईफोन नहीं था भाई। चुप। इनफैक्ट अगर उनके पास फोन होता भी ना तो मैं तुम्हें ऐसी बाहर लेकर आता, क्योंकि मेरे लिए फोन से ज्यादा तुम बहुत अहम हो। वो हमें लॉक करके भाग रहे हैं, उन दोनों को छोड़ना नहीं, मार डालो। ठीक है भैया। शिवा कौन है बे तू? मेरे लोगों को लॉक करके जा रहा था, कौन है बे? पहले ही दिमाग खराब है, बेवजह उंगली मत कर। तो फिर अपना इलाज करा ले। मारो से। शशि, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये सब तुम क्या करने जा रही हो? तो और क्या करूं? मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी जिंदगी अब किसके हाथों में है। सुबह से हर पल मर रही हूं मैं। मुझसे नहीं होगा शिवा। I want to die। मर जाओगी? तो तुम्हें तुम्हारा फोन मिल जाएगा क्या? या फिर वो वीडियो बाहर निकलने से बच जाएगा क्या? जब जब प्रॉब्लम आए तभी अगर मौत ही सॉल्यूशन है तो हर इंसान को प्रॉब्लम का सामना करने से पहले मर जाना चाहिए। अरे हमने हर कोशिश कर ली, माना मैंने, लेकिन हम और कोशिश करेंगे। अगर फिर भी फोन नहीं मिला तो देखो शशि, मैंने जो किया वो गलत है। गलतियों को सुधारने का अगर मौका ना मिले तो सजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फेस करेंगे हम,
कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आ जाए हम फेस करेंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो तुम तक ना पहुंचे इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हारे साथ ही रहूंगा शशि, तुम्हारी रक्षा करूंगा। थैंक्स, थैंक यू सो मच। यस, फेस करेंगे और प्रॉब्लम को फेस करेंगे, बट मिलकर नहीं, अलग होकर, क्योंकि मैंने फोन खोने से पहले सोचा था कि हम अलग हो जाएंगे। शशि, प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। शशि, भविष्य में शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। असल में ये टैबलेट कब खाते हैं पता है तुमको? फीवर आने पर। नहीं, जब बुखार आ जाए तब ख्याल रखने वाला पास में ना हो तब, और अगर पास में कोई हो और वो ख्याल ना रखे तो। लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। से पहले एक बात और शशि, तुम कुछ छोड़कर तो नहीं जा रही हो ना? एक बार अच्छे से चेक कर लो, वापस तुम लौट कर नहीं आने वाली। चम्मच बस हो गया। नहीं, कितना ओवर करते हो। सॉरी सॉरी शिवा, इस टाइम में मूड स्विंग्स होते हैं ना, इसलिए ऐसे। कम ऑन शशि, क्यों इतना एक्सप्लेन कर रही हो मुझे? आई नो, आई रिस्पेक्ट यू एज अ गर्ल फर्स्ट, आफ्टर दैट आई लव यू एज माय गर्लफ्रेंड। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की होंगी शशि, लेकिन तुमसे प्यार करके जिंदगी को एक अच्छा मोड़ दिया है मैंने। अब मुझे छोड़कर जाने की गलती मत करना शशि। लगता है तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है, इसलिए मुझ पर ध्यान ही नहीं है। कोई भी लड़का हो, एक लड़की को प्रपोज करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन लड़की जब लव एक्सेप्ट कर ले तब नहीं होता है शशि, क्योंकि तभी वो लड़की यस कहेगी या नो, इस बात का डर नहीं होता है। लड़की के लव एक्सेप्ट करने के बाद यह मेरी है इस बात की हिम्मत मिल जाती है। डर हमेशा चिंता में डाल देता है शशि, लेकिन हिम्मत बहुत ही शांति देती है। शिवा, हाँ? फ्यूचर में कभी हमारा झगड़ा हुआ तो क्या करोगे? मैं तो किस कर दूंगा, पर मुझे गुस्सा आया तो मैं भी किस करूंगी। तब तो मैं हमेशा गुस्से में ही रहूंगा। एक बार मैंने गलत इंसान को चूज करके गलती कर दी, उस गलती को अब मैंने सुधार लिया है शिवा। I love you forever, ever and ever। मैं तो तुम्हें तभी छोड़ूंगा। फ्यूचर में कभी हमारा झगड़ा हुआ तो मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसा जरूरी इंसान कभी नहीं देखा। तुम्हारे साथ अपनी जान से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ शशि। जाने की सोच तो ली,
पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। मुझे छोड़ दोगे तुम? मुझे ऐसे जाने दोगे क्या? मेरे खुदा हो गया क्या ये मेरे प्यार को, मेरे खुदा क्यों लगी है नजर इस प्यार को, क्यों हम सफर आ गए हम दोनों इस मोड़ पे, कि जन्मों का खो रहा मेरा प्यार इस मोड़ पर, पारे मनी परम पागा ना वेदना ये सही जाए अब मेरे खुदा, रहेंगे कैसे दो दिल टूटे मुझे रोका क्यों नहीं तुमने? तुमने ही तो डोंट ट्राई टू स्टॉप मी कहा था ना। मतलब तुम चाहते थे कि मैं रुक जाऊं पर रोकना नहीं चाहते थे? हाँ ऐसी बात नहीं है, तुम माइंड रीडिंग करना अच्छे से जानती हो ना, तो फिर मेरे माइंड में क्या है ये तुम क्यों नहीं जान पाई? और वैसे भी मैं नीचे तो आ ही गया ना। तुम अगर नहीं आते तो भी मैं नहीं जाती। I love you, शशि। I love you too, Shiva. सुबह से तुमने इतने सारे प्यार को कैसे छुपा कर रखा था जरा मुझे भी तो बताओ। तुम्हारी वजह से। एक्सक्यूज मी, अब छोड़ोगे भी? सॉरी बोलो। क्या सॉरी? यस। किस लिए? किस लिए ये भी नहीं पता। ए इधर आ। हाय अंकल। हाँ अंकल, मेरा बेटा रोज आपके घर में खेलता है ना? हाँ। तो खेलने वाली वस्तु स्कूल में ले जाना मना है, ये आपको पता है ना? हाँ मना है, फिर भी आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? मना है ये पता होते हुए भी ले जाकर खेलने के लिए आपने अपना फोन क्यों दिया? इसे क्यों दिया आपने बताइए? ये फोन क्यों दिया? फोन स्कूल में मना है पता है ना? अंकल अंकल उठ जाइए ना अंकल। क्या है यार? फोन चाहिए अंकल, पबजी खेलकर दे दूंगा। यही कहीं होगा, ले लो उसे। थैंक यू अंकल। गुड मॉर्निंग। ए मैम आ गई, बैग में रख दे। ए फोन रिंग हो रहा है। साइलेंस। समवन कट द कॉल। कॉल अगेन। ए फिर से फोन आ रहा है, फोन स्विच ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर दे। शिवा हमारा फोन ऑन हो गया है। What? He's almost there. अरे क्या हुआ? GPS ऑफ हो गया है। What? Shit! Oh shit! ये shit आपको नहीं मुझे कहना चाहिए। Ah shit! स्कूल वाले, ट्यूशन वाले, सब लोग मुझे फोन कर करके मेरा दिमाग खा रहे हैं। अपने बच्चे को फोन क्यों दिया ये पूछ रहे हैं। इसीलिए सॉरी बोलिए। सॉरी।
हाँ, बोल दिया तो हो गया क्या? आप तो हमें कह दोगे? हाँ, बच्चे को स्ट्रिक्टली पाल रहे हैं, सोच कर पैम्परिंग करते हो। असल में तो तुम लोग, सॉरी बोल दिया ना, अब बस भी करो। बस कर दूं? बस करने को कह रहे हैं बेटे, चलो चलते हैं। भाई अंकल, कल फिर से खेलने आऊंगा अंकल। बहुत खेल लिया, आप चल यहाँ से। तो अब हम ऊपर चलें मिस। ओके मिस्टर। वैसे शशि, ये जो वीडियो रखा था उसने कितना टेंशन दे दिया ना। हाँ ना, बहुत टेंशन हो गई। तो ऐसे वीडियोस हमें नहीं रखने चाहिए, रखने से ज्यादा बनानी ही नहीं चाहिए। हाँ, उसे बस हमारे मन में रिकॉर्ड करना चाहिए, जब चाहे तब मन की आंखों से देख लो, है ना? करेक्ट। और तो और, पड़ोस के बच्चों को फोन देकर एनकरेज नहीं करना चाहिए। ये बात तो सच है। शशि, तुम्हारी फ्रेंड रेफरेंस देगी कह रही थी ना, इंटरव्यू के लिए कब बुलाएगी पूछो। शिवा, तुम जॉब करोगे? करूंगा ना, वो सब तो ठीक है, पर तुम जा रही थी तो रुक क्यों गई? मेमोरीज, एक अच्छी मेमोरी में 100 प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करने की स्ट्रेंथ होती है। मेरे पास ऐसी बहुत सी मेमोरीज हैं। मेरे पास भी। सो रिकलेक्ट योर गुड मेमोरीज टू अवॉइड ब्रेकअप्स। भाई, हाँ? कहाँ पर है तू? तेरे घर के नीचे हूँ। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये क्या भाई, फ्रेंड है ना तू? तू टेंशन में है तो मैं गांव में आराम से कैसे रह सकता हूँ, इसलिए आ गया। वैसे वो वीडियो? हाँ, वो मिल गया। ओह वाह, ठीक है, अब ऊपर आ जा। इतनी बार मैं यहाँ आया, एक बार भी तेरे घर आया क्या? तू नीचे आ, बार में चलते हैं। अबे तू जा, मैं थोड़ी देर फ्रेश हो जाता हूँ और फिर आता हूँ। तेरी बातें सुनकर लग रहा है तू वापस दुकान खोल देगा। ठीक है चल। अरे रुक रुक, फोन कैमरा ऑन मत करना। ओके यार, ठीक है चल। मतलब भाई अच्छा दोस्त है। ऑटो।